तो सुबह सुबह हम लोग निकले हैं हरा चारा के लिए, और तालाब घर हमारा देखिए डूबा हुआ है और चारों तरफ पानी ही पानी है। और दोस्तों देखिए गाय का दूध हम निकाल चुके हैं। कहाँ जा रही हो अर्चना? हम लोग जा रहे हैं बुद्ध भगवान के पास। कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में। दोस्तों है करिए हाय दोस्तों। और दोस्तों सुबह का 6 बजा है, 5:30 हो रहा है दोस्तों सुबह का, और इसको खिला रहे हैं गाय लोगों को। और आज सुबह में हम लोग जा रहे हैं चारा के लिए, बिना खाना पानी कुछ नहीं किए हैं, अभी सिर्फ बाहर झार करके सब फिट कर लिए हैं और गाय लोगों को चारा लगा दिए हैं, और जा रहे हैं हरा चारा के लिए, क्योंकि हमारे पास चारा आज नहीं था। तो चलते हैं दोस्तों, अभी चारा लेके आते हैं, फिर कोई काम करेंगे। अभी सुबह है, 5:30 हो रहा है, तो अभी गाय लोग उधर चारा पूरा एक एक टब भर दिए हैं, वो लोग खा रहा है। और चलते हैं, थोड़ा सा बाजरा है उसको काट करके लाना है दोस्तों, थोड़ा जल्दी से जाते हैं और काट के लेके चले आते हैं। इसमें पानी भर चुका है तो इसको पानी फेंकना पड़ेगा, तो अभी पहले पानी फेंक लेते हैं। चलिए फेंकिए फटाफट, पूरा पानी भर चुका है तो इसको अभी फेंकते हैं दोस्तों। देखिए फेंकिए जल्दी जल्दी, हम भी फेंक देते हैं। पूरा दूध फलिए हैं, एक फलिए हैं। और दोस्तों देखिए ये पानी से भरा हुआ नाव है तो इसको फेंकते हैं, पहले पानी फेंक दीजिए जल्दी जल्दी। देखिए हम लोग का नाव का पानी फेंक दिए हम लोग, और चलते हैं अब हरा चारा के लिए। चलिए बड़ा वाला लगी दे दीजिए, हंसुआ है ना। चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों सुबह सुबह हम लोग निकले हैं हरा चारा के लिए, और तालाब घर हमारा देखिए डूबा हुआ है, और चारों तरफ पानी ही पानी है, तो चारा का बहुत दिक्कत है दोस्तों। दो दो गाय है, और समझ सकते हैं आप लोग, दो गायों को खिलाना कितना मुश्किल है। चारों तरफ पानी है तो हम खिलाएंगे क्या, कितना भूसा खरीदेंगे? और हमारे तरफ भूसा 900 रुपया कुंटल हो गया है, अभी थोड़े दिन बाद 1000 हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग हरा चारा लेकर के आ गए हैं, और देखिए हमारा बकरी कहाँ पर घुस गया है। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया है, ये बछवा हमारा इसमें घुस गया है, उठ 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 उठ। और देखिए इधर से इसमें मछली लोग हम लोग मारते हैं मछली, तो इधर से आ करके और घुस गया है, तो इसको खोल करके निकालेंगे। ये पूरा इसका सिस्टम खोलना पड़ेगा तब निकलेगा। अभी दिखा रहे हैं आप लोगों को निकाल करके इसको, और देखिए दोस्तों इसको निकाल रहे हैं। ऐ, ऐ, निकल, ये देखिए इसमें घुस गया था, पैर फंसा लिया है, तोड़ दिया तोड़ दिया, तो एक पारी तोड़ दिया। और इसको अब फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, रख देते हैं और चलते हैं दोस्तों दूध लेके बाजार, और बाजार से आएंगे तो इसको ठीक करेंगे। और चलते हैं दोस्तों अर्चना से मिलवाते हैं, देखते हैं अर्चना कहाँ तक पहुँची है। कहाँ जा रही हो अर्चना? हम लोग जा रहे हैं बुद्ध भगवान के पास। कितना दूर है? बहुत ज्यादा दूर है। और देखिए इधर सब लोग जा रहे हैं, इधर भी, और हम लोग भी जा रहे हैं। अर्चना कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ जा रही हो? बाबा की हैं। किस बाबा की हैं? नाम बताओ। नाम बताओ। चलने में मजा आ रहा है नहीं? बुद्ध भगवान। हाँ हाँ। और देखिए इधर आ गए हैं फाइनली। देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग मंदिर पे पहुंच चुके हैं। देखिए मंदिर कितना भीड़ लगा है। हाँ देखिए यही है बुद्ध भगवान का मंदिर, और नीचे देखिए
नीचे देखिए कितना पहाड़ है, कितना नीचे। ये देखिए चारों तरफ से हरिधर में है मंदिर, मंदिर में हम आ रहे हैं और अंदर चलते हैं। सब सोने का है, सब दिखाई दे रहा है, सब सोने का है, सब सोने का। चलो चले आप, चलो और दोस्तों आप लोगों ने देखा कि अर्चना कहाँ तक पहुँची हुई है। तो अभी हम लोग तैयार हैं, हरा चारा लेने जाना है दोस्तों काटने। तो आज नाव से नहीं जाएंगे क्योंकि इधर चारा बहुत कम मिल रहा है पानी की वजह से। तो आज इधर चलते हैं दोस्तों दूसरे तरफ हरा चारा के लिए। चलिए आ जाइए, चलते हैं दोस्तों हरा चारा। और अर्चना को आप लोग देख लीजिए कि कहाँ कहाँ जा कर के घूम आई। तो अब हम लोग चलते हैं हरा चारा लाने। और आज सुबह में भी आप लोग देखे कि सुबह में हम लोग चारा लाने गए थे, तो आज काऊ मिल्किंग सुबह वाला नहीं दिखा पाए आप लोगों को। और अभी दिखा रहे हैं, आप शाम का मिल्किंग दिखाएंगे आप लोगों को दोस्तों। और दोस्तों देखिए हम लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा दूर आए हुए हैं और देखिए शाम होता जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी, हम लोग हरा चारा काटेंगे। और देख लीजिए कितना अच्छा हम लोग के तरफ धान है, देख लीजिए पूरा एकदम धान ही धान है, एकदम मस्त। तो ये सब हाँ पैर भांसे का, आइए इधर चलते हैं दोस्तों। अभी अभी आगे और जाना है, वो गन्ना का खेत जो दिख रहा है उधर जाएंगे हम लोग गन्ने के खेत में। और दोस्तों देखिए हम इधर हरा चारा काट रहे हैं, ये धान के खेत में जो मेड़ा है उसी पर है। अभी उधर भी चलेंगे हम लोग गन्ने के खेत की तरफ। और अर्चना की मम्मी मोबाइल पकड़ी हुई है, तो जल्दी जल्दी काटते हैं क्योंकि शाम हो गया है। और दोस्तों देखिए हम लोग उधर से काट करके आ गए इधर गन्ने के खेत में। तो चलते हैं, इधर भी है बहुत चारा तो इसको काट लेते हैं, काट करके तब फिर चलेंगे घर की ओर। पास में आइए थोड़ा। और दोस्तों देखिए इधर हम लोग थोड़ा सा गन्ने के खेत में उधर चारा काटे हैं और थोड़ा खरई काटेंगे, तब एक बोझा होगा फिर चलेंगे। और एकदम अंधेरा होने जा रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी काट लेते हैं। और इधर जानवर लोग भी निकलता है, सियार लामर इन लोगों का डर रहता है। और दोस्तों देखिए हम चारा ले लिए हैं, काट लिए हैं और रात हो गया है। तो जल्दी जल्दी भागते हैं घर की ओर। आ जाइए जल्दी आइए। और दोस्तों देखिए हम लोग चारा लेके आ गए हैं। और इधर देखिए, इधर दिखाइए, ये देखिए इधर नाव से भाभी जी की बिटिया है जो छोटी, ये काट करके लाई है खराई। और बोल रही है कि बुआ और फूफा आपके लिए भी लाई हूँ। तो देखिए उतार रही है, हम लोग आए हैं उधर से। तो और ले जाओ, और थोड़ा सा हमको चाहिए, और ले लीजिए। नहीं ले लीजिए, उतना क्या बात है, उतना में हो जाएगा। अरे भाई बहुत है, ले लीजिए और ले जाइए। दोस्तों देखिए वो काट करके लाई है छोटी, तो अभी हम लोग इसमें से थोड़ा ले जाएंगे। भाभी जी थोड़ा ले रही हैं, और ले लीजिए पूरा। अरे कितना खिलाएंगे, अभी तो ये लाए हैं, सुबह में लाए थे। और दोस्तों देखिए इसको भी ले चलते हैं, अभी इसको रख के आते हैं तब। हाँ वहीं रही हमारे। और दोस्तों देखिए कितना खरई काट करके लाई है, तो अभी हम लोग ले जा रहे हैं इसमें से। और चलते हैं दोस्तों, इस समय अभी आप लोगों को दिखाएंगे काऊ मिल्किंग। सुबह वाला नहीं दिखा पाए हैं, कहीं हम चले गए थे दोस्तों दिन में, इसीलिए पूरा दिन उधरे रह गए और काम लग गया था तो उधरे रह गए थे काम करते हुए। दोस्तों देखिए हम लोग आ गए और हाथ पांव धो लेते हैं, उसके बाद से गौरी का दूध निकालेंगे और तब आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए इधर गौरी है और इधर धुआं हुआ अभी बारे हैं हम लोग।
और यहाँ पर है देखिए। तो अभी इसका दूध निकालते हैं दोस्तों। और चारा देखिए छोड़ी हुई है, इतना चारा छोड़ दी है। और गौरी और अतवरिया देखिए दोस्तों यहाँ बैठी हुई है, देखिए यहाँ पे बैठी है, खा करके जुगाली कर रही है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, हाथ पांव धो लेते हैं, उसके बाद से दूध निकालते हैं गौरी का। हाँ, हाथ पांव धोने के बाद से इसका दूध निकालने जा रहे हैं, अभी नहाएंगे दोस्तों। दूध पहले निकाल लें क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और दोस्तों आज लेट से चारा के लिए इसलिए गए कि बाज़ार गए थे तो उधर काम करते रह गए, काम मिल गया था। तो अभी पहले इसका दूध निकालते हैं, फिर बाद में नहाएंगे। आ जाओ देखिए, इधर बांध दिया है बछिया को और दूध निकालना चालू कर रहे हैं। थोड़ा पास में ले जाइए, दोस्तों रोज के जैसे गाय का दूध हम दोनों समय दिखाते हैं। तो भैया लोग बोलते हैं कि भाई एक ही जैसे ब्लॉग बनाते हो, तो थोड़ा सा अलग कुछ दिखाते हैं तो वीडियो हमारा चलता नहीं है, कोई भी दूसरा चीज़ दिखाते हैं तो इसीलिए दोस्तों दूध गाय वाला चीज़ दिखाते हैं और यही हम लोग करते हैं। तो अलग दिखाने क्या जाए, गाय का सेवा करना, घास चारा लाना, बाज़ार जाना, दूध निकालना, जितना करते हैं दोस्तों उतना ही दिखा पाते हैं। कहीं घूम करके वीडियो नहीं दिखा पाते हैं, दूर नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों फाइनल इसका मिल्किंग कर लेते हैं। और दोस्तों देखिए गाय का दूध हम निकाल चुके हैं और चलते हैं दोस्तों, नहाएंगे। अर्चना की मम्मी उधर खाना वाना बना रही हैं तो फिर खाना वाना खाएँगे हम लोग। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।